आवाज आ रही है? नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है मुझे देरी हुई है आप लोगों के बीच फेसबुक ऑनलाइन आने में, लेकिन काफी दिनों से हम चाहते थे कि आप लोगों से जो है संवाद करें और अपनी बात को जो है आपके समक्ष रखें। और आप लोगों का हमेशा से प्यार और समर्थन, और आप लोगों ने हमेशा से अपनी ताकत को दिया है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कल जो है जन विश्वास यात्रा में हम बिहार के दौरे पर यात्रा पर निकल रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जिस प्रकार से जन विश्वास पहले भी आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आगे आने वाले समय में भी आप सब लोग जो है मुझ पर विश्वास और भरोसा कीजिएगा। और जो विश्वास आप लोगों ने जताया था और जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया था राष्ट्रीय जनता दल को 2020 के चुनाव में, आपने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाया। प्री पोल अलायंस, महागठबंधन सबसे बड़ी अलायंस के तौर पर उभर करके आई, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा कि 2020 में हम सब लोगों ने प्रण लिया था कि बेरोजगारी जो है देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इस बेरोजगारी के खिलाफ हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, और अगर सत्ता में आएंगे, अगर आप लोगों का प्यार मुख्यमंत्री आप लोग बनाइएगा, तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं रही, छल कपट से हम लोगों को सत्ता से बेदखल किया गया और हम लोग जो है ऑपोजिशन में बैठे, विपक्ष में बैठे, और विपक्ष में बैठते हुए भी हम लोगों ने आपके मुद्दे को, आपके आवाज को उठाने का काम किया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं जो परिस्थितियां बदली हैं, आप सत्ता में कैसे आए, फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले हैं, लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि 2010 में भी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें नीतीश कुमार जी ने उन्होंने शपथ लिया था, और फिर 2013 में जो है उन्होंने भाजपा को छोड़ा, 2014 में उन्होंने मांझी जी को फिर से जो है मुख्यमंत्री बनाया, 15 में फिर मांझी जी को हटाया, और अकेले बलबूते जब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे, तब भी 27 सीटों पर उनकी जो है जमानत जो है जब्त हुई। फिर 2015 में महागठबंधन बना और फिर से वो मुख्यमंत्री बने, हमें मौका मिला उप मुख्यमंत्री रहने का, फिर 17 में उन्होंने हमें छोड़ा, भाजपा के साथ जाकर के मिले, 2020 का चुनाव जो है एनडीए के साथ लड़ा, फिर 22 में जो है भाजपा को छोड़ा, फिर अभी 24 में हमें छोड़ के चले गए। तो ये कहीं ना कहीं से बार बार जो स्टेबिलिटी की बात आती है कि गवर्नेंस में कम से कम 10 सालों में अगर आप ये देखेंगे कि 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार जो है पाला बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो स्थिरता जो है सरकार की नहीं रहती है। तो गुड गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो वो गुड गवर्नेंस जो है नहीं हो पाता है। स्टेबिलिटी सबसे जरूरत है, अगर विकास हित में अगर किसी भी सरकार को अगर काम करना है तो स्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी होती है। लेकिन बार बार जो है पाला इधर से उधर बदलने में जो है वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में हम लोग शर्मसार हुए हैं, और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है, और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है, ये हम सब लोगों के
जानते हैं और विधानसभा में जब ट्रस्ट वोट जब हो रहा था तो उसमें हम लोगों ने कई बातें जो है रखी और मेरा मानना है कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को अफसोस नहीं है उनके जाने का, लेकिन जिन मुद्दों के साथ हम लोग खड़े थे आज हम लोग उसी विचारधारा और मुद्दों के साथ खड़े हैं, अडिग हैं। और हम लोगों को 17 महीने काम करने का मौका मिला और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं, दिल की बात बताना चाहता हूं कि मैं अपने क्षमता का केवल 10% ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और पुराने ख्याल के हैं और कोई विजन नहीं है उनका, कई कामें जो हम लोगों का एजेंडा था, आप लोग अगर हम लोगों का मैनिफेस्टो देखेंगे 2020 का, तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहली बार 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से आपने सुना। 2020 में आप सब लोगों को याद दिला दे कि सबसे पहली बार हमने 10 लाख नौकरी का जो है वादा नहीं बल्कि प्रण लिया था, हम लोगों ने साइंटिफिक अध्ययन किया था और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, क्योंकि हम लोगों ने सारी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद हुआ कि कई विभागों में, बड़े बड़े विभागों में, छोटे विभागों में जो है नौकरियां जो है वहां मिल सकती हैं, खाली पदे हैं उनको भरा जा सकता है, हम लोग नेशनल एवरेज के मुकाबले आ सकते हैं। तो उस समय 2020 में ये भी बताने की जरूरत नहीं है जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी, तो यही मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, ये असंभव है। तो इस असंभव को हम लोगों ने संभव करके दिखाया और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि भाई नौकरी कहां से आएगी, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथ से हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र लाखों के तादाद में बांटने का काम किया। यानी जब हम डिप्टी सीएम बने तब भी हमारा जो एजेंडा था नौकरी देने का वो सबसे पहला एजेंडा था और उसको हम लोगों ने लागू कराया और लगभग 5 लाख के आसपास हम लोगों ने सरकारी बहालियां निकाली, लोगों को नियुक्तियां पत्र बांटने का काम किया। और 2020 में तो जब मुख्यमंत्री असंभव कहते थे तो वहां जो वित्त मंत्री थी भारत सरकार की 2020 में आई यहीं पटना और निर्मला जी, और उन्होंने कहा कि हम 19 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन 20 से 22 तक कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहां गया किसी को अता पता नहीं। लेकिन हम लोग जब 17 महीने में आए तो हम लोगों ने बहालियां निकाली और देश में कहीं भी नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होता था, हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया तो देश भर में देख करके प्रधानमंत्री जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। हालांकि केंद्र में अब कितना रोजगार बचा है, चाहे रेलवे हो या और भी जगह है, वो आप लोग सब लोग भली भांति जानते हैं कि बहालियां निकल नहीं रही है। उसलिए हम लोगों ने जो लकीर खींची है आज मजबूरन सबको जो है नौकरी की बात करना है, रोजगार देने का काम करना है, तो ये जो लकीर हम लोगों ने इतनी लंबी खींच दी है कि और कोई खींचे तो छोटा ही पड़ेगा। जो मुद्दे की बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे की बात हो रही है। जो लोग दंगा फसाद हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज कम से कम इतनी उपलब्धि हमारी है कि आज हमारे एजेंडे पे उनको बात करना पड़ रहा है, नौकरी की बात करनी पड़ रही है। और आप देखिएगा अजीब बात है, क्रेडिट लेने की बात जो है, और जो है चाहे भाजपा हो,
चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, लगे पड़े हैं लेने के लिए, लेकिन हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं और आप लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों को अधिकार जो मिलना चाहिए वो आप लोगों को हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। आप लोगों के लिए मरने मिटने हम आए हैं, तो वो कोई काम जो है ना छूटे, वो हर जगह चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आपकी आवाज को हमेशा हम बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे, आपको अधिकार दिलाने का हम भरपूर जो है प्रयास करेंगे। तो आप देखिएगा, जाति आधारित गणना हुई, जाति आधारित गणना में हमने तो सबको चिट्ठी लिखी थी कि भाई सब लोग जो है, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस मांग को जो है पूरा करें। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिलने गए, हमारा ही प्रस्ताव था, सर्वदलीय गए मुख्यमंत्री जी के साथ, और ये भी हमारा प्रस्ताव था कि भाई अगर भारत सरकार मना करती है, मोदी जी मना करते हैं जिसके चांसेस ज्यादा है, तब बिहार सरकार अपने बलबूते अपने खर्चे पे कराएगी। वो जाति आधारित गणना भी हम लोगों ने कराया और इससे साफ हो गया कि कौन लोग कितने गरीब हैं, कौन लोग कितने भूमिहीन हैं, कौन लोग जो है भीख मांग करके गुजारा करते हैं, सारी बातें जो है स्पष्ट हो गई, सामने आ गया। और उनके लिए हमारी एक और सोच थी कि सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करें, तो उस दिशा में हम लोगों के सरकार ने सारा काम भी हम लोगों ने किया। और जो अभी बिहार सरकार ने बजट जो पेश किया है, उस बजट में तो हमारे ही मंत्रियों का साइन है। अगर आप फाइल उठवा करके मंगा ले, अगर फाइल अगर देखा जाए तो जो बजट जो पेश हो रहा है उसमें केवल जो है राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के जो मंत्री थे उन्हीं का ये बजट बनाया हुआ है। और हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कम से कम स्वास्थ्य विभाग में जो हमने पब्लिक हेल्थ कैडर जो बनाने का काम किया, आपको कई बार कैबिनेट में दो बार गया, आपने मना कर दिया, कैबिनेट में लाने से मना कर दिया, जिसमें कि 130,000 के आसपास लोगों का नौकरियों का है, आपने कई बार रोका है। कम से कम नौकरी के सवाल पे जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था वो सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। हम लोगों ने तो सारी चीजें जो मानदेय बढ़ाने की बात थी, आशा की बात थी, ममता की बात थी, उस फाइल को भी हमने किया, 2500 तक मानदेय हम लोगों ने कराने का काम किया, जिस फाइल को कैबिनेट आने से भी रोका जाए, कम से कम उन हमारी दीदियों को, महिलाओं को, माताओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो आप दिलाने का काम कीजिए। और यही नहीं बल्कि हम लोगों ने तो मानदेय टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, तालमी मरकज हो, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों की ख्वाहिश भी थी कि भाई कम से कम जो है बिहार में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम ही बनाए, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, तो कम से कम उसको भी पूरा कराइए ताकि बिहार के जो नौजवान हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको भी फायदा हो। हम लोगों ने कई पॉलिसीज लाए, हम लोगों ने जो खेलेगा उसको भी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया, जो पढ़ रहा है उसको भी नौकरी दिलवाने का काम किया, जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं उनको भी नौकरियां मिल रही हैं, अधिकारी के पद पर आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम लोगों का जो कमिटमेंट था पढ़ाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, रात रात भर हम लोग जो है छापा मारते थे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ढंग से जो है वो चले, तो हर एक दिशा में हम लोगों ने काम किया है। लेकिन आज आप लोगों के बीच हमको आने का मौका मिला है, आप लोगों से बात हम कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के जितने नौजवान हैं, जितने हमारे साथी हैं, वो सब लोग जो है आने वाले समय में आप हमारी ताकत बनिए, आप हमको ताकत देने का काम कीजिए ताकि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था उसको हम लोग जो है मुकाम तक पहुंचाने का हम लोग काम करें और सबको अधिकार मिले, एक बिहार आगे बढ़े, तरक्की पहुंचे। हम लोग तो चाहते थे कि भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हमारे थे, पहली बार बिहार में जो है 50,000 करोड़ का MOU जो है इन्वेस्टर मीट में जो है वो साइन किया गया,
हम लोगों ने आईटी पॉलिसी लाया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, पर्यटन बढ़े, इसके दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। आईटी के सेक्टर में भी हम लोगों ने काम किया है। कई अमेरिका की कंपनी जो है यहाँ पटना में ब्रांच खोला है, जिसका हमने खुद उद्घाटन जाकर के किया था। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे समीर नासिर जी, उनके साथ भी जाकर के हम लोगों ने ये काम किया। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों का प्रयास रहा है कि बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई हमारा भाई जो है छूटे ना पीछे, सबको साथ लेकर के चले, सभी लोगों के साथ हम लोग न्याय करें, इसी काम को हम लोगों ने किया है। तो आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग जो है ताकत बनिएगा। और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है, पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा। तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है उनको, कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता। हालांकि हमारे पहले भी हम बोलते रहे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए, तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है, और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो केवल जो पीड़ा है, वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है, यही इनका मकसद है कि भाई सात चुनाव करा लो, सात चुनाव करा करके बिहार विधानसभा का, लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है, और उस पर जो है विश्वास करेगी। और आगे कुछ भी हो, हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। मरने मिटने हम आए हैं, हमें कोई पद का लालच नहीं है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्य में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है, और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके करके दिखाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जो है कल से इस यात्रा में हर जिले जो है आप लोग सम्मिलित होइएगा और बिहार को आगे ले जाने में योगदान दीजिएगा। और हम बीच बीच में हमेशा आप लोगों से भी जुड़ने का काम करेंगे। आपकी बातों का भी, सवालों का भी हम समय समय पर जवाब दिया करेंगे, और ये सिलसिला लगातार चालू रहेगा। और इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।